So hello everyone, welcome back to another very amazing video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, I'm going to give you the schedule of the droppers batch on MarksUp learning app, which would be taught by me and a lot of expert faculties of biology. तो हमारा droppers का combined batch भी launch हो चुका है, जिसके लिए मैंने previous video बनाई थी. और मेरा इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो चुका है. जाहिर सी बात है, अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो आपकी कॉस्ट कम पड़ती है. अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे हैं और अगर आप सिर्फ मार्क्स अप से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंडिविजुअल बायोलॉजी कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं. पूरी 11th 12th क्लास की जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी. क्या क्या कॉन्टेंट मिलेगा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ. किस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे, किस तारीख से स्टार्ट होगा कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. सो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द हायरार्की कि क्या होने वाला है, ए टू जेड वो सारी चीजें आज आपको पता लग जाएंगी. ओवरऑल सीक्वेंस व्हेन यू आर क्लियर विद देन यू कैन इजीली स्टार्ट अप द थिंग्स. सो जाहिर सी बात है, एक क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस क्लैरिटी के लिए ये वीडियो मैं यहां पर बना रहा हूं. तो नीट ड्रॉपर बैच जो स्टार्ट होने वाला है नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का शेड्यूल नितेश सर और लव सर आपको दे चुके हैं. ऐप के ऊपर अवेलेबल है. मेरा ये वाला शेड्यूल ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम पर भी. और यहां पर मैं आपको एक दो यूनिट्स का एक बेसिक आइडिया लेकर के समझाना चाहता हूं कि कैसे चीजें स्टार्ट होंगी. हमारी चीजें स्टार्ट होंगी मंडे से, यानी 27th ऑफ सितंबर से, 2021 27 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा. जिस दिन आपको मिलेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब मेरे कोर्स को किस हिसाब से आपको यूज करना है. अगर आपके इस बार 500 नंबर आए हैं तो आप किस हिसाब से मेरा कोर्स यूज कर सकते हैं. अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, आपको जीरो नॉलेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कैसे यूज करना है वो अलग अलग चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा. अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्लियर होंगे कि जैसे अगर किसी के 500 नंबर आए तो वो 2x पर सारा कॉन्टेंट देखेगा तो भी समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर कोई एकदम नर्चर लेवल से स्टार्ट कर रहा है तो उसको सारे कॉन्टेंट को टाइम देना पड़ेगा, बखूबी समझना पड़ेगा एक एक चीज को. तो उसको कैसे बढ़ना है वो सारी हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि इस कोर्स को पढ़ के आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, व्हाट थिंग्स यू कैन टारगेट एंड कितना अचीवेबल, कितना ऑथेंटिक कंटेंट, कितना प्रिसाइज कंटेंट यहां पर आएगा. हर चीज के बारे में बात करेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में. काफी डिटेल्ड लेक्चर ये होने वाला है. एक डेढ़ घंटे के आसपास का ओरिएंटेशन रहेगा 27 को. 28 को यानी ट्यूजडे को 11th आपकी स्टार्ट हो जाएगी. तो मैंने सोचा है सिंस ड्रॉपर्स को 11th 12th दोनों करनी होती है तो एक यूनिट 11th, एक यूनिट 12th, एक 11th, एक 12th ऐसे करके करेंगे. बोर भी नहीं होंगे और कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी, सिलेबस भी एक अच्छी पेस के ऊपर चलता रहेगा. तो लिविंग वर्ल्ड जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, इसको मैं 3 घंटे की एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा. इसे मैंने नाम दिया एनसीईआरटी मास्टर क्लास. मैं कुछ दिनों में एक अलग से कोर्स लेकर आने वाला हूं, मेरी सिर्फ मास्टर क्लासेस का ही. यानी जिस बच्चों को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सर मेरे को तो सिर्फ 345 नंबर चाहिए, मुझे इतना पढ़ा दो कि उस वीडियो को देख के मैं 345 स्कोर कर पाऊं, उनके लिए एनसीईआरटी मास्टर क्लास अलग से आ जाएगी. एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक्स्ट्रा मैं इस बार काफी सारा पढ़ाने वाला हूं. एनसीईआरटी के अलावा आपको जो भी चाहिए वो सारा एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी क्लास में आपको मिलेगा. ऐसा कोई पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में है ही नहीं, जो कि रिफ्रेशर्स में दिया हुआ है, एलएन के मॉड्यूल में दिया हुआ है, आकाश के मॉड्यूल में दिया हुआ है, सीपी के मॉड्यूल में दिया हुआ है, जो भी चीजें आपको पढ़नी चाहिए वो भी फिल्टर्ड होंगे. ऐसा नहीं कि आपको इररिलेवेंट कंटेंट मिलेगा. जो चीजें आपको पढ़नी चाहिए टू स्कोर 360 मार्क्स, बट जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा एच एनसीईआरटी क्लास के अंदर हो जाएंगी. यानी एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें जो चाहिए, जो कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, उस लेवल की पढ़ाई यहां पर हो जाएगी. सेकेंडली, यहां पर पहले दिन के जब क्लासेस कंप्लीट होंगे तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स की डाउनलोडेबल होगी, शेयरेबल होगी. दूसरा, यहां पर आपको दूसरे लेक्चर की एक्स्ट्रा एनसीईआरटी की हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा एज इट इज मिल जाएगी, डाउनलोडेबल होगी, शेयरेबल होगी. फिर आपको मिलती है डीपीपी. ये डीपीपी मैंने इस साल भी दी थी बच्चों को. डीपीपी सिंस एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए तो एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपी आपकी सेम रहेंगी, राइट. और इसके सोल्यूशन जो है ये भी मैं YouTube पर काफी हद तक करा चुका हूँ, बट बचे हुए सोल्यूशन जो है आई सप्लीमेंट एंड यू विल गेट देम अप. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है. मेन जो होगा वो है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, जो मैंने शेड्यूल में नहीं डाली है. क्यों नहीं डाली है दोस्त? क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा 30-40% सिलेबस हो चुका होगा. टेस्ट सीरीज का फायदा तभी. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे पर चैप्टर, जो कि आपके एकदम ऑथेंटिक होंगे, नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, हमारे द्वारा ही क्यूरेटेड होंगे, हम खुद बनाएंगे बैठ करके, इसीलिए उसको थोड़ा टाइम लेकर ही हम लोग लॉन्च करेंगे. ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हो, रिपोर्ट कार्ड आएगा बकायदा, कितनी गलतियां करी, किस किस टॉपिक में गलतियां करी, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन भी आपको मिल जाएगी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इसी कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है. चाहे आप इंडिविजुअल कोर्स लो, चाहे आप फुल लेंथ कोर्स लो, हमारा कंबाइंड कोर्स लो, सबके साथ ये टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी. इसके अलावा
आपकी ग्रैंड मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये भी आपकी चलेगी, ये भी आपको मिल जाएंगे ग्रैंड मॉक टेस्ट। ये तब चलेंगे जब पेपर में 4-5 महीने बचे होंगे, तब आपके यूनिट वाइज और कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलना स्टार्ट होंगे, जब हम अच्छा खासा सिलेबस कर चुके होंगे, राइट। तो यहां पर टेस्ट सीरीज आपकी थोड़ी बाद में आएंगी, उससे पहले आपके पास अच्छा खासा कॉन्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी की वीडियोस, जिन्होंने इस बार मेरा सिग्मा स्टार कोर्स देखा है वो जानते हैं कि एनसीईआरटी के एक चैप्टर को ऑन एन एवरेज में 6 घंटे देता हूं, यानी अगर 10 पेज पढ़ाने में 12 पेज पढ़ाने में कोई आपको 6 घंटे दे रहा है तो आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि वो चीजें कितनी डिटेल्ड और कितनी डीप होने वाली हैं। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड खोल के रख दूंगा तुम्हारे आगे मेरे दोस्त, तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरी ट्रिक्स स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती हैं, आई वॉज फेमस बिकॉज ऑफ माई ट्रिक्स इनिशियली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो बहुत प्यारे लेक्चर्स हैं। ये मत देखना सर रिकॉर्डेड है, ये है वो है, अगर तुम सीरियस हो तब इस कोर्स के अंदर आना, बिकॉज यू शुड अप्रिशिएट द कॉन्टेंट, ये नहीं कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या है। तो यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी की वीडियो जो कि मैंने पहले से बहुत सारी रिकॉर्ड कर रखी है, और जो एक्स्ट्रा होने वाली है वो एकदम फ्रेश बनेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इसी बैच के लिए है, वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, या ना यूट्यूब पे है उसका डेमो कोई, ना कहीं और। मैं डाल दूंगा एक दो चैप्टर के डेमोज, बट वो पहली बार बन रही है, सो इट इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली फॉर द बैच फिलहाल के लिए। बाद में हम लोग अगर ऐसी कोई सीरीज यूट्यूब पे लाते हैं देन दैट इज अनदर केस, अभी के लिए चीज पेक्यूलियरली हमारे बैच के लिए है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा पर्क कि 200 प्लस आपको नई वीडियोस मिलेंगी जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं मतलब कहीं भी नहीं, छोटी छोटी वीडियोस में एक्स्ट्रा एज को मैं कवर करूंगा, राइट। तो डीपीपी के सोल्यूशन हो जाएंगे आपके, देन उसके बाद पीवाईक्यूज हैं, ये आपको यूट्यूब पे फिलहाल नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने अलग से बैच के लिए अलग बनवाए थे, यहाँ पर 20 ईयर्स के सुशील सर ने लिए हैं, वहां पर फारूकी सर ने लिए हैं, तो अल्टीमेटली पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से आपके 34 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एंड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, इनका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और बहुत बेहतर तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर चीज के। यानी एक चैप्टर हमने कितने दिनों में कवर किया, स्टार्टिंग का इनिशियल चैप्टर हमने 4 दिनों में कवर किया, ठीक है, 4 दिनों में कवर किया, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो एक दिन में एनसीईआरटी, एक दिन में एक्स्ट्रा एज, एक दिन में डीपीपी, एक दिन में आपके पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, राइट। तो कम टाइम लगा है क्योंकि छोटा चैप्टर है। अब देखो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसमें एनसीईआरटी मास्टर क्लास हो गई, एक लेक्चर में आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन एनसीईआरटी मास्टर क्लास 2 हो जाएगी, यानी 2 चैप्टर में एनसीईआरटी कवर होगी बिकॉज इट इज अ ह्यूज चैप्टर, तो 5-6 घंटे का टाइम लगेगा। देन एक्स्ट्रा एज इसमें ज्यादा है, जाहिर सी बात है, तो एक्स्ट्रा एज के भी 2 लेक्चर्स हो जाएंगे इसके अंदर, 2 लेक्चर्स मतलब 2 दिन, इसमें हो सकता है कि 15-15, 20-20 मिनट की मैं 7-8 वीडियोस अपलोड करूं, राइट। तो ये 2 दिन है जिस दिन हम एक्स्ट्रा एज पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्मेट में एक्स्ट्रा एज कंटेंट को रखूं, जिससे कि आप लोग बहुत क्लियरली पढ़ पाए, क्योंकि एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी के अलावा आप पढ़ रहे हैं तो आपको मस्ती मजाक में ऐसे ही चलते फिरते चाय पीते पीते कभी 10-20 मिनट की वो वीडियोस 2x पे देखनी है, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स इन सच अ वे कि आपका 20 मिनट में सारा काम हो जाए, एक टॉपिक आप एक बार में क्लियर कर लें। देन भाई यार इसके पीवाईक्यू डीपीपी सॉल्यूशंस एग्जांपल प्रॉब्लम्स जो भी यहां पर है सारा का सारा आपको मिल जाएगा, हर चीज जो भी मैं कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, एंड उसका एक रिटर्न वर्जन आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है जो मैं हैंड रिटर्न एनोटेटेड स्लाइड्स बनाता हूँ वो भी सारी आपको मिल जाएगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। सिमिलरली हम लोग 11th का प्लांट किंगडम करने वाले हैं, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिमल किंगडम करने वाले हैं, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे 25 अक्टूबर तक हमारा 1 महीने के अंदर काइंड ऑफ हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो गई, तो क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, रटने वाली यूनिट है, तो इसको ज्यादा टाइम देना जरूरी है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे 12th क्लास की यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिप्रोडक्शन के फर्दर चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सो ऑन, इस हिसाब से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो एक चैप्टर का जो फ्लो है वो क्या है, लेट्स चेक इट आउट। एक चैप्टर का जो फ्लो है वो क्या रहने वाला है, एक चैप्टर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा मेरे दोस्त कि यहां पर आपको मिलेगा एक चैप्टर के अंदर सबसे पहले थ्योरी, वो भी एनसीईआरटी की, जिसे हमने बोला एनसीईआरटी मास्टर क्लास, फिर उसका पीडीएफ, फिर आपको मिलेगी थ्योरी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी, फिर उसकी पीडीएफ, फिर आपने जो भी पढ़ा उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी डीपीपी चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको मिलेंगी, फिर आपको मिल जाएंगे उनके 34 ईयर के पीवाईक्यू, फिर आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ये तो बेसिक चीजें हैं जो दुनिया में हर जगह आपको मिलेंगी, अदर देन दैट हमारी खुद की क्यूरेटेड आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको यूनिट वाइज भी रखेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रखेंगे, यानी नीट तक आपका और हमारा सफर एकदम साथ साथ चलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट। मतलब जो भी चीजें धीरे धीरे हम लोग और रिवैम्प करते जाएंगे, आप बोलेंगे सर मुझे माइंड मैप चाहिए, मैं माइंड मैप्स दे दूंगा, आप बोलोगे सर मुझे हैंड रिटन 1-पेजर नोट चाहिए, मैं वो दे दूंगा, इस बार हमारे पास पूरा टाइम है दोस्त, पहले दिन से हम लोग काफी एक्टिव है, तो जो भी मांगोगे तुम्हें इस बैच के खत्म होने से पहले एंड तक मिल जाएगा। मैं ये नहीं कमिट कर रहा कि बिल्कुल जल्दी मिलेगा, दिसंबर तक मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, दैट इज अ श्योरिटी,
रिवीजन इतनी बार करा दूंगा कि एकदम फैल जाओगे भाई तुम और बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। बैच का प्राइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टोटल अगर आपको कंबाइंड बैच लेना है तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा अकेला बैच लेना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हो। डाउनलोडेबल नॉन डाउनलोडेबल का मतलब मैं समझा चुका हूँ। नॉन डाउनलोडेबल मतलब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, आपके घर पे पूरा वाईफाई लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, नॉन डाउनलोडेबल सस्ता पड़ेगा, ये ले लो। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं किसी पार्क के पास जाकर के डाउनलोड करके लाता हूँ या मेरे दोस्त के घर जाकर डाउनलोड करके लाता हूँ तो मेरे पास कम टाइम के लिए इंटरनेट है, तो आप डाउनलोड कर लो चीजों को और फिर बिना इंटरनेट के भी देख सकते हो, दैट इज द डाउनलोडेबल फॉर्मेट। तो नॉन डाउनलोडेबल जो हमारा कोर्स है वो आपको पड़ेगा 4999 के अंदर, यानी लगभग 5000 रुपए में तीनों सब्जेक्ट पूरी साल के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज भी आ गई आपकी चैप्टर वाइज और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आ गई, तो कहने को ये एक अच्छा प्राइस लगता है सुनने में। बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम है यार, 10-12 गुना कम है, लेकिन इसके पीछे आपको वो एसेट वैल्यू भी प्रोवाइड की जाएगी। और मेरा अकेले का कोर्स अगर आप लेते हो, अगर आप नॉन डाउनलोडेबल, तो ये आपको 2000 रुपए में पड़ता है, राइट। सिमिलरली आप लव सर का भी अगर नॉन डाउनलोडेबल कोर्स लेते हो तो ये भी आपको 1999 का पड़ता है। नितेश सर का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको 2499 का पड़ता है एज पर आयना। तो ये टोटल जो कोर्स है ये आपका लगभग 6500 रुपए का होता है। अगर आप कंबाइंड वे में लेते हो तो आपको 1500 रुपए बच जाएंगे, इसीलिए आप क्यूमुलेटिव फॉर्म में कोर्स को लेना प्रेफर ज्यादा करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा डाउनलोडेबल जो कोर्स है वो आपको 2999 का पड़ेगा, यानी 3000 रुपए का। लव सर का जो डाउनलोडेबल कोर्स है ये आपको 3000 का पड़ेगा, एंड नितेश सर का जो कोर्स है ये आपको 3500 का पड़ेगा, क्योंकि इनके वीडियोस की ड्यूरेशन और क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है, तो उनको हमने कंप्रेस नहीं किया है, क्वालिटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो उनकी कॉस्ट जो बैंडविड्थ कॉस्ट है थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये आपको पड़ रहा है 9500 में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको पड़ रहा है सिर्फ 6000 रुपए में, पूरा का पूरा जो सबसे महंगा कोर्स है वो आपको फ्री पड़ गया। यहाँ पर भी अगर आप तीन कोर्सेज का प्राइस देखें तो आपको एक कोर्स फ्री पड़ जाएगा अगर आप कंबाइंड वे में लेते हैं तो। सो प्लीज मेक श्योर टू गेट जॉइंट, गेट कनेक्टेड इन दीज बैचेस। जो मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल है नीट तक का, मैं मान के चल रहा हूँ कि जून के आसपास पेपर होगा या मई में पेपर होगा, तो मैंने मई के हिसाब से शेड्यूल बनाया, मई में सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले ही कर दूंगा। ये बिल्कुल ढीला ढाला शेड्यूल बनाया है, एकदम संडे को छुट्टी ले लेके, पर मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ यूजुअली, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो जब आप बोलोगे सर फरवरी में करा दो, हमें तो रिविजन करना है, मैं फरवरी में करा दूंगा, सर जनवरी में करा दो, जनवरी में करा दूंगा, दिसंबर विसंबर नहीं हो पाएगा यार, 3-4 महीने का टाइम लगता है ऑब्वियसली, बट जो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी चाहता हूँ कि मल्टीपल रिविजन्स हों। इस बार जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं अभी तक हमारे वो 685 के आसपास, 690 के आसपास, अभी कंफर्म नहीं हुई है कि एक बार ऑफिशियल हम लोग OMR देख लें तो मैं आपको बता दूंगा। मेरा टारगेट इस बार है मैं 700 क्रॉस करवाऊँ अपने स्टूडेंट्स के, तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा हम लोग अच्छे से चलेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे मैं थोड़ी देर के अंदर शेड्यूल डाल रहा हूँ, ऐप के ऊपर भी मैं शेड्यूल को डाल दे रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वो शेड्यूल को एक बार देख लो, पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ये मत कहना कि सर अगर मई में पेपर हो गया तो आपका लेट खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मैं उसको 3-4 महीने के गैप में लेके चल रहा हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन लेके मैं बहुत पहले कंप्लीट करा दूंगा। फरवरी इज माई लास्ट थिंग टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट, मैं बहुत जल्दी संडे वनडे को भी करा के आई यू नो कवर द होल सिलेबस एट अ वेरी ग्रेट पेस। वो जो सिग्मा स्टार के बच्चे हैं इस बार के वो अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आई श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो, और यूट्यूब के ऊपर भी कुछ सीरीज स्टार्ट होंगी, लेकिन अगले वीक से जब एक बार मैं थोड़ा अपने कॉन्टेंट को अच्छे तरीके से अपलोड कर देता हूँ ऐप के ऊपर, 10-12 दिन का काम जो है एडवांस में मैं शेड्यूल करके रख देता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल श्योरली गेट इन टू द सेशंस दैट वी आर गोइंग टू टेक ऑन यूट्यूब चैनल इन लाइव फॉर्मेट। So thank you so much guys, please get enrolled into this program, the links are available in the description below. If you want to take the individual course, that is totally up to your choice, and if you want to take the combined course, that is equivalently good as well, because in the cost of 2 subscriptions you are getting 3 subjects for the whole year, and it is a great deal. If you want to get enrolled in the NCERT course, then I think you need to wait for 20 more days. I will be launching a course separately for NCERT, which is going to be much cheaper. It is going to cost you around 1500 rupees or 1000 rupees for sure, बट उसमें जो कंटेंट है बहुत फाड़ू आने वाला है, और 6 महीने का उसमें हम सब्सक्रिप्शन रखेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है तो उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ 360 नंबर, उसके लिए ये वाला कोर्स इज अ मस्ट। जनरली अगर 7 से पहले दिन से 7 चलोगे मज़ा आ जाएगा तुमको, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें निकल जाएंगी, और एक बार बैकलॉग बढ़ता गया देन यू नो वेरी वेल वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के अंदर, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।